दोनों ही लोग जो सपोर्टर हैं और जो उनके खिलाफ बोलते हैं, वो दोनों ही लोग उनकी पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाता हूँ। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनसे पूछो जाके कि अंबेडकर जी के पास एक डिग्री थी DSC, उसकी फुल फॉर्म बता दो, उन्हें घंटा नहीं पता उनके बारे में। और ऐसा नहीं है कि अपर में और लोअर में ही लड़ाइयाँ हैं, अपर में भी लड़ाइयाँ हैं। रैदास जी का तो नाम सुना होगा, उन्होंने बोला क्या था कि जात जात में जात है जो केतन के पास, और रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। मतलब ऊपर नीचे का तो छोड़ दो, जात जात में भी जातियां हैं। एक समाज है वो लोग कहते हैं रामायण नहीं पढ़ेंगे, हम गीता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारे कास्ट के खिलाफ बीज बोया गया है, मतलब हमको ऊँच नहीं दिखाया गया। बिल्कुल दिखाया गया है, कर्ण के साथ भी ऐसा हुआ था। कर्ण की माँ कहती है कि हाय कर्ण, तू क्यों क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, और कवच कुंडल धारण करके तेरा शरीर अदम हुआ, और धस जाए वो देश अतल में जहाँ गुणों की नहीं पहचान, और जात धर्म के नाम पर ही आदर पाते हैं इंसान। कर्ण के साथ तक बुरा हुआ था, मैं मानता हूँ। ठीक, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को ये पता है कि आज मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है, पता है ना, मैंने कल ही आपको बता दिया। और मैंने एक बार नहीं, कई बार क्लास में जो ये कुरीतियाँ हैं, बैड कस्टम्स हैं जो हमारे समाज में चले आ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। बट आज अम्बेडकर जयंती है तो उसको उसका तो सेलिब्रेशन करेंगे ही, उसके साथ साथ हमको अम्बेडकर जी से सीखना क्या है। और सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पेन इंडिया, ओवरऑल इंडिया में इस बार ये हॉलीडे घोषित हुआ है, और ये होना चाहिए था। क्यों? क्यों आज अगर आप स्कूल नहीं गए हैं तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आज हम स्कूल क्यों नहीं गए हैं। तो लेकिन स्कूल की छुट्टी हो गई तो आप लोगों को बस इतना पता है कि आज अम्बेडकर जयंती है, बस इतना पता है, इसलिए छुट्टी है। उनके बारे में हमको को पढ़ना चाहिए। और जो ये एक समाज में जो एक गलत सोच ऊँच नीच वाली जो चली आ रही है काफ़ी सालों से, जब से सृष्टि रची गई है तब से ये है, ये सोच चली आ रही है, तो जो ये नई जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका शिकार ना हो। और इसके कारण अगर हम लोग इसका शिकार हो गए तो ना तो हमारा खुद का डेवलपमेंट पॉसिबल है और ना ही हमारे देश का है। जैसे मैं बताऊँ, छोटा सा एग्जांपल दूँ आप लोगों को, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड हो जाएगी अभी 10-15 मिनट में, तो वीडियो देखने वालों का एक माइंड सेट हो जाएगा कि मैं SC जाति का हूँ, मैं इसलिए अम्बेडकर जी का वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर महाराणा प्रताप पर उनकी जयंती पर अगर वीडियो बना दूं, सबका माइंड सेट हो जाएगा कि जो आकाश सर है भैया वो जाति से ठाकुर हैं। वो भी छोड़ दो, अगर मैं भगवान को भी लोगों ने छोड़ा नहीं, अगर मैं भगवान परशुराम जयंती पर वीडियो बना दूं तो एक माइंड सेट हो जाएगा कि भैया ये ब्राह्मण आदमी है, मैंने गौतम बुद्ध जी की मूर्ति इंटेंशनली रखी है। इनसे हम लोगों को सीखना क्या है उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक माइंड सेट कर लिया, कास्ट सिस्टम ये हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और इसके बहुत बुरे परिणाम हम लोगों ने देखे हैं और आने वाले टाइम पर देखेंगे भी, अगर ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो ये चीज़ हम लोगों को अम्बेडकर जी से क्या सीखना है उस पर आज मैं थोड़ा सा जोर दूंगा, एम्फेसाइज करूंगा कि उनसे हमको क्या सीखना। उससे पहले एक बात बताऊँ, जो लोग अम्बेडकर जी का सपोर्ट करते हैं या जो लोग अंबेडकर जी से मतलब घृणा करते हैं या अनकंडीशनली कि कुछ नहीं उनकी कास्ट के कारण ही अगर उनको कुछ गलत कहते हैं, वो दोनों ही लोग जो सपोर्टर हैं और जो उनके खिलाफ बोलते हैं, वो दोनों ही लोग उनकी पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाता हूँ। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनसे पूछो जाके कि अम्बेडकर जी के पास एक डिग्री थी DSC, उसकी फुल फॉर्म बता दो, उन्हें घंटा नहीं पता उनके बारे में। बस हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो हमारी जाति के थे, हम इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो हमारी कास्ट के नहीं है। मतलब हम लोगों ने महापुरुषों को भी जाति के नाम पर बांट दिया है, और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो मैं आऊँगा धीरे धीरे इस टॉपिक पर। मैंने आज तक आप सबको बताया, लगभग 1000 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, किसी भी एक सिंगल वीडियो में भी मैंने ये बात नहीं बोली कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस वीडियो को मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया विदाउट बैग कि आज मेरी बात को सुनना, अगर मेरी बात से एक बच्चा भी जो ये कास्ट सिस्टम है इसको समझ पाया और इससे बाहर निकला तो मेरा कहना मतलब मैं सफल आदमी हो गया, अगर मैं एक को भी मैंने बदल दिया तो ये जो कुरीतियाँ हैं इसी के खिलाफ है ये वीडियो, आप देखना और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना,
क्योंकि YouTube पे हजार वीडियो मिल जाएंगे आपको लोगों को भिड़वाने वाले, ऊंच ऊंच और नीच के नाम पर लोगों को भिड़वाने के लिए। कोई भी एक वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके समाधान सॉल्यूशन पे बात करे। तो जल्दी से मैं पहले अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा बता के जो मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो का, मैं उस पर आऊँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। एक मेहर जाति के थे जो उस समय अनटचेबल कास्ट में आती थी, छुआछूत लोग मानते थे। और इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पे थे, तो इनको पढ़ाई का मौका मिला। और ये अपने पेरेंट्स के 14वीं संतान थे ये। क्योंकि पहले क्या होते थे कि बच्चे पैदा हुए और उस समय टेक्नोलॉजी या हॉस्पिटल वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, बच्चे पैदा हुए और किसी बीमारी के कारण बस उनका निधन हो जाता, मर जाते थे बच्चे लोग। तो 14वीं संतान थे इनके, तो इनको पढ़ाई का मौका मिला क्योंकि इनके पिताजी सूबेदार थे। तो अम्बेडकर एंड अनटचेबल स्टूडेंट्स वर सेग्रीगेटेड दैट टाइम। उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था। दे वर नॉट अलाउड टू इनसाइड द क्लास। इफ़ दे नीडिड टू ड्रिंक द वाटर देन समवन फ्रॉम द अपर कास्ट और द प्योन पोर द वाटर फ्रॉम द हाइट बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू टच द यूटेंसिल। इफ़ द प्योन वॉज नॉट अवेलेबल दे हैड टू गो विदाउट वाटर, मीन्स नो प्योन नो वाटर। ऐसा इन्होंने देखा था, इनके साथ ऐसा इतने गलत गलत बर्ताव हुए थे। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ गलत क्यों है, ये चीज़ गलत क्यों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सारे बच्चों को मैंने बुलाया और किसी एक बच्चे को मैं कहूँ बेटा तुम बाहर बैठोगे तो अंदर नहीं आओगे, क्योंकि या तो कास्ट का एग्जाम्पल दे दो या कुछ भी कि भैया तुम बाहर बैठोगे, तो हर कोई बच्चा तो अम्बेडकर बन नहीं सकता। अब उसके अंदर क्या सोच आएगी कि बेटा मैं जल्दी से बड़ा आदमी बनूं और आकाश सर को बताऊंगा मैं। मतलब क्या हुआ इसका कि उसके अंदर ये सोच आएगी कि मैं बड़ा आदमी बनूं, किस लिए मैं बड़ा आदमी इसलिए बनूं क्योंकि आकाश सर ने मुझे बाहर बैठा रहा था, मैं इनको इनकी औकात दिखाऊंगा। मतलब अब उसका पूरा फोकस हो गया, उसने जो अपना पुरस्कार जो उसके अंदर जो कैलिबर था वो इस ताकत पर उसने लगा दिया कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं इन सर को बताऊंगा। अगर ऐसा उसके साथ नहीं हुआ होता तो वो हमारे देश के लिए और वो हमारे समाज के लिए सोचता। और सबसे बड़ी समस्या तो समाज है ही है। लोग कहते हैं ना, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं समाज में रहना है तो समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इस समाज ने ही तो हमारे देश को खोखला कर दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ समाज के नाम पर। क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपको गालियाँ सिखाई कि चलो बेटा सैटरडे संडे ऑफ है, आज तुम्हें पार्क में ले के चलते हैं, आज तुमको गालियाँ सिखाते हैं चलो, और कल तुम्हारा टेस्ट होगा जिसके फुल मार्क्स नहीं आए। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या स्कूल में कभी ऐसा हुआ? लेकिन फिर भी सबको आती है, सिखाता कौन है ये? ये समाज सिखाता है हमको, ये तो हमको समाज देता है। तो समाज के ऊपर तो नहीं, इस समाज ने ही तो सब घंटाधार कर दिया इसका। तो अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने उस ज़माने में उनका दो दो PhD की डिग्री थी, बैरिस्टर लॉ की उन्होंने पढ़ाई की थी। लंदन यूनिवर्सिटी में जाके ग्रेन इन नाम का जो कॉलेज था वहाँ पर, बताते हैं 26-27 डिग्रियाँ थी उनके पास। तो उनसे तो अपनी तुलना खैर करना ही क्या, बट उनसे सीखना क्या है? उनके साथ जो गलत हुआ था, अगर वो चाहते इतने बड़े आदमी हो गए, जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया था उनको ज़िंदगी भर जेल में सड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं भी इनके जैसा हो गया तो इनकी सोच में और हमारी सोच में क्या अंतर है? मैं जाति से नीचा था लेकिन ये सोच और कर्म से नीचे हैं। जब तक ये भारत रहेगा तब अम्बेडकर जी का नाम रहेगा, उन्होंने भारत का संविधान बनाया था, हमको उनसे सीखना है। लेकिन क्या है, जो सपोर्टर है उनसे भी मेरी थोड़ी सी मतलब उनसे कहना है, और जो अनकंडीशनली नफरत करते हैं उनसे भी कहना है। अब मैं दोनों पर एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक है मेरा दोस्त, उसने क्या किया कि अम्बेडकर जी का 12 बजे स्टेटस लगा दिया, जय भीम आर्मी जय, ये सब उसने कर दिया, और 12 बजे चैटिंग कर रहे गर्लफ्रेंड से अपनी, और स्टेटस लगा के बस ये चीज़ दिखा दिया कि यहाँ हम देखो हम सपोर्ट में हैं। ना उनकी आज तक नौकरी लगी है, ना उनका आज तक कुछ नहीं हुआ है, बस 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं बस। तो ये तो उन्होंने अम्बेडकर जी से सीखा है, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे सीखा क्या आपने? हमको सीखना है इनसे। और जो लोग नफरत करते हैं उनसे कहना है कि तुम्हारे नफरत करने से उनका जो ऑरा है, उनका जो नाम है, उस पर 1% की भी कमी नहीं आएगी, ना तुम उनके बराबर हो पाओगे। बराबर तो बहुत दूर की बात है, उनके धूल के बराबर भी आप नहीं हो अगर आप उनसे नफरत करते हैं। तो हम लोगों को जो ये कास्ट सिस्टम पे आज मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। आज का दिन मुझे लग रहा है कि हाँ, नई जनरेशन को ये पता होना चाहिए। मैं मैथ्स का टीचर ज़रूर हूँ, पढ़ता हूँ बहुत सी बातें। 1946 की बात बता रहा हूँ, अम्बेडकर जी ने पूरा ऋग्वेद पढ़ के
एक बुक लिखी थी हु वर सूद्राज, उसमें केवल 100 से 150 पेज हैं, 1946 में जुलाई आई थिंक। तब उन्होंने एक बात बोली थी कि जब आप 1000-2000 पेज पढ़ते हैं तब आप एक पेज लिखने के हकदार होते हैं। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे उन्होंने, हुबर सूद्राज किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी। उसका पहला पेज का जो तीसरा पैराग्राफ, उन्होंने साफ साफ बोला था कि आज के जो शूद्र लोग हैं उनके पुराने जमाने के शूद्रों से कुछ भी मतलब नहीं है यार। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हिंदुओं को एक करने की, काफ़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन फिर भी आज हम लोग नफरत के बीज बोए हैं, वो पेड़ बड़े हो गए हैं और हम लोग उसी को ही काट रहे हैं। मतलब कोई भी समाज में ऐसी बात नहीं होती है कि जो ये दोनों के भी अपर और लोअर का है इसका समाधान किया जाए। और ऐसा नहीं है कि अपर में और लोअर में ही लड़ाइयाँ हैं, अपर में भी लड़ाइयाँ हैं। रैदास जी का तो नाम सुना होगा, उन्होंने बोला क्या था कि जात जात में जात है जो केतन के पात, और रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। मतलब ऊपर नीचे का तो छोड़ दो, जात जात में भी जातियां हैं। एक मूवी आई थी 1973 में, मूवी का नाम था कच्चे धागे, कभी मौका मिले देखना। उस मूवी का मैं एक मिनट के बारे में बता दूँ क्या है कि उसमें एक आदमी होता है जो जाति से ठाकुर दिखाया गया है, उसने किसी का मर्डर किया तो उसकी गवाही किसी एक ब्राह्मण आदमी ने दी और उसको फांसी हो गई, वो ठाकुर मर गया। अब ठाकुर की जो वाइफ थी ठकुराइन, वो कहती है ब्राह्मण से कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, जब वो बड़ा होगा तो वो तुमको तुम्हारा विनाश करेगा। तो उस समय ब्राह्मण कहता है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने अभी चंबल का पानी पिया है, परशुराम का फरसा मेरे हाथ में, ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये कौन सी बात हो गई, जातियों को जोड़ने वाली हो गई है। तो जैसा हमको दिखाया जा रहा है वैसे ही हम होते हैं। ऐसा नहीं है ऊंचे और नीचे की लड़ाइयाँ, यहाँ पे जाति के अंदर जातियाँ हैं उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ हैं। तो डिवाइड करो और रूल करो। हम लोगों को काफ़ी एग्जाम्पल दिए जाएंगे, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि रामायण में वो चौपाइया कि ढोल गबार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बड़ी डिबेट आप लोग सुनते होंगे कि रामायण जैसे महाग्रंथ में भी ये बात बोली गई है। ये तो बात आपको बता दी, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि जात पात धर्म बढ़ाई धन बल पर जन गुण चतुराई, ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि चतुर वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषा, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये मैंने चार वर्ण में डिवाइड किया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब कर्म के अकॉर्डिंग होता था, ये था। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों ने कर्म को हटा के इसे जाति से बना दिया गया, और वही ये इतनी बड़ी गलती हो गई कि आज तक हम लोग इसे झेल रहे हैं। फिर भी पहले से बहुत कम हुआ है, बट हम लोगों का टारगेट है कि आप लोग, मेरा टारगेट ये आपको बुलाने का यहाँ पे कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, केवल कर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर भी मैं दो तीन बातें और बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोग समाज में सुनते होंगे कि वो उनके यहाँ पे खाना नहीं खा रहा है, ऐसा सुना होगा नॉर्मल आप टीवी में यहाँ पे सुनते। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी शख्स गंदा है, वो नहाते धोते नहीं है, या उनके घर परिवार में गंदगी ज़्यादा है, तो वहाँ कोई भी खाना नहीं खाएगा। और ये होना भी चाहिए, आज भी होना चाहिए कि अगर किसी के यहाँ गंदगी है तो वहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने अब जाति से कर दिया, ये गलत है। अगर कोई ब्राह्मण है तो अगर उसके घर गंदगी है तो हमें नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण को मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण, ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन आजकल लोगों ने जाति से कर दिया, और जो लोग ये ऊंच नीच मानते तो उनके सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूँ, क्या कि आप पिज्जा खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे, जब वो आप खाते हैं तो आप उंगलियां चाट जाते हैं, लेकिन उस समय आप नहीं सोचते कि कहाँ से बनकर आया है, किस आदमी ने इसको बनाया है, वहाँ पे गंदगी है या वहाँ पे सफाई है। ठेले पे आप खड़े होकर मोमोज खाते हैं, वो भी छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक पता नहीं किस आदमी ने पी है, वहाँ गई है, कोई सफाई फाई नहीं होती है। तो बात मानो तो सारी मानो, लेकिन ये समाज में जो नफरत घोलते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं उनका शिकार हम सब हो रहे हैं, तो हमको इस पर नहीं जाना चाहिए। अब जल्दी से एक चीज़ और क्लियर करूं कि जाति का कितना बड़ा असर पड़ जाता है। अम्बेडकर जी इतने बड़े आदमी, महान आदमी, महान व्यक्तित्व, उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं, ठीक। लेकिन आज आप अपने घर पे जाना, अम्बेडकर जी का नाम हर किसी ने सुना है, आप किसी से पूछना कहना आपने यशवंत राय का नाम सुना, यशवंत राव का नाम सुना, आप घर पर पूछना जाके अपने, कहेंगे कौन यशवंत राव, अम्बेडकर जी का बेटा।
जबकि जिसके पिताजी अम्बेडकर जी हों उसके पास ना तो पैसे की कमी और इतने बड़े महान व्यक्ति तो उसके पिताजी, लेकिन उसने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। और अम्बेडकर जी जिन्होंने बचपन से इतनी कुरीतियों का, बुरी कुरीतियों का सामना किया, फिर इतने बड़े आदमी बन गए। तो सब कर्म से होता है, जाति से कुछ नहीं होता है, जाति का कोई भी असर नहीं होता है। और जो लोग कहते हैं ना जाते, बहुत से लोग कहते हैं कि हम ऊंचे हैं या वो नीचे हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई कोई भी नीचा नहीं है। एक और दो तीन बातें बता रहा हूँ आपको। 16 दिसंबर 2012 जाके नेट पे सर्च कर लिया, निर्भया रेप कांड जो हुआ था, चार लोग थे, चारों की जाके जातियाँ चेक कर लेना। एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक गुप्ता, एक के एंड में सिंह लगा था। जाके चेक कर लो कि ये चारों लोग किस जाति के थे। तो जाति का असर कुछ नहीं होता है, ये सब और केवल आप किस माहौल में आप रहते हैं, आपने कौन सा कर्म किया है, ये सब उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जाति से कुछ नहीं होता भैया, आपको केवल किसी का, हाँ हो सकता है कि आपको किसी कारणवश मायावती पसंद नहीं हो सकता है आपको किसी कारणवश मुलायम सिंह यादव पसंद नहीं हो, योगी पसंद नहीं हो सकता है कोई एक्टर आपको पसंद ना हो, बिल्कुल हो सकता है, वो हर किसी का एक पर्सनल अपना है। लेकिन किसी को नफरत करना, किसी को प्रेम करने के कारण जाति नहीं होनी चाहिए। आज मैं मायावती को सपोर्ट करता हूँ इसलिए कि मैं एससी कास्ट का हूँ, तो ये गलत है। अगर मैं उनसे नफरत करता हूँ तो क्या ये कि मैं अपर कास्ट का हूँ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप किसी से नफरत करो, किसी से प्रेम करो, उसके पीछे लॉजिक ये कास्ट नहीं होना चाहिए। आप पूरे इंडिया में नहीं, आप अमेरिका में भी घूम के आ जाओ ना, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स को पता है कि इंडिया में हिंदुओं में अपर और लोअर कास्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों से भी ज़्यादा मुस्लिम धर्म में जातियों का उल्लेख हुआ है। अशरफ, अर्जल, रजील, उनमें भी अपर कास्ट अशरफ होते हैं, फिर अजलाफ होते हैं, फिर रजील होते हैं। रजील मीन्स होता है नीच। और पाकिस्तान के एक अखबार है द डॉन, वहाँ पर लिखा हुआ था कि रजील जाति के लोगों को हमको और लाना चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तान की नालियों की सफाई हो पाए। तो सोचो वहाँ कितनी कास्ट है, लेकिन हम किसी को भी मुस्लिमों का, ईसाइयों का, सिख का कास्ट सिस्टम नहीं पता है किसी को भी। क्यों? आप समझो इसके पीछे भी प्लान है हम लोगों के अंदर नफरत घोलना। एक छोटा सा डाटा देता हूँ, जाके नेट पे चेक करना। 1947 से 2014 तक 700 मुस्लिम MPs बने हैं, 700, उसमें से 640 अशरफ हैं, मतलब अपर कास्ट के हैं मुस्लिम, 60 हैं वो केवल लोअर कास्ट के। वहाँ हमसे भी ज़्यादा ऊंच नीच है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होगा कहीं पर भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बटना नहीं चाहते। हमको उनसे सीखना है, हमको जिस धर्म में जो भी चीज़ है अगर अच्छी है तो उसको सीखो। कहीं आप चले जाइए, मुसलमान ये बोल देगा कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे हम ठाकुर हैं, हम बोलेंगे हम जाटव हैं, हम बोलेंगे हम जाट हैं, हम बोलेंगे हम गुजर हैं, हम बोलेंगे हम यादव हैं। हम बट गए, हमको बांटा जाएगा और उनको एक शब्द बोल दिया गया कि वो मुस्लिम है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई करने का कोई अधिकार नहीं, ना मैं करना चाहता हूँ। बट मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को बटना नहीं है। हमको अगर कहीं कोई कमी है तो उसका बैठ के समाधान निकालना, ना कि बढ़ जाना। यूट्यूब पर आप जाओ, आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बांटने वाले होंगे। कोई अम्बेडकर जी के नाम पर बांट देगा कि भैया उन्होंने लोअर कास्ट के लिए बहुत काम किया, हमारे भगवान है वो, आपके भगवान नहीं है, हम सब हिंदुओं के भगवान है वो, उन्होंने आपके लिए, उन्होंने हर किसी के लिए उन्होंने किया था। बट कास्ट के चक्कर में उन लोगों को, मतलब जिस कास्ट के थे उन कास्ट के लोग उनको पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। संत रैदास जी की अगर मैं आपको जाति की बात आती है तो संत रैदास जी के बारे में बताता हूँ। लोअर कास्ट के थे, उनके पास जैसे ये मूर्ति रखी हुई है, उनके पास ऐसे ही भगवान राम की मूर्ति रखी हुई थी। तो एक राजा नरेश गए उस रास्ते से होते हुए, वो झोपड़ी में रहते थे, तो उन्होंने कहा राजा नरेश से, उन्होंने कहा यार एक नीच आदमी के यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है, ये हमारे भगवान का अपमान है। तो ऐसा करते हैं, मैं तो राजा हूँ, मैं इनसे मूर्ति लेता हूँ। तो लेकिन वो संत थे, उनका नाम था, तो उन्होंने प्यार से कहा कि ऐसा करो रैदा जी, आप हमें ये अपनी मूर्ति दे दो, इसके बदले आपको जो भी पैसा ऐसा चाहिए आप हमसे पैसा ले लो। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला क्या कि एक ही मोहे राम नामधन, एक ही मोरी आशा, और उदन आइए यहीं चले जाइए ना चाहिए रैदासा। मतलब भगवान राम की मूर्ति के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। पर आज के टाइम जो दलित समाज है वो लोग कहते हैं हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, हम गीता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारे कास्ट के खिलाफ बीज बोया गया है, मतलब हमको ऊँच नहीं दिखाया गया। बिल्कुल दिखाया गया है। कर्ण के साथ भी ऐसा हुआ था,
कर्ण की माँ कहती है कि हाय कर्ण, तू क्यों क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, और कवच कुंडल धारण करके तेरा शरीर अदम हुआ, और धस जाए वो देश अतल में जहाँ गुणों की नहीं पहचान, और जात धर्म के नाम पर ही आदर पाते हैं इंसान। कर्ण के साथ तक बुरा हुआ था, मैं मानता हूँ गलतियाँ हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो हैं। भगवान राम ने जब सबरी के झूठे बेर खाए थे, उसका जिक्र हम लोग नहीं करते, वो भी तो एक मैसेज है ना कि हम लोगों को एक करने का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है साफ साफ कि मैं चार वर्ण में बांटे हैं, और ऊंच नीच हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, उसका हम लोग जिक्र नहीं करते। तो समाज में कुरीतियाँ हैं, गलत बिल्कुल है, लेकिन उसका समाधान निकालने वाला एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, सिर्फ नफरत फैलाने वाले मिलेंगे। नीच जात वाले ऊंची जात वालियों को गाली देंगे कि हम बड़े बन जाएं, हम बेटा तुम्हें बताएंगे। और इसका और एग्जांपल देता हूं आपको, 2007 में जब मायावती की कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकार आई थी, आई थिंक 206 एमएलए थे, कितने डीएम लोगों से उन्होंने जूते साफ कराए अपर कास्ट वालों के, औकात दिखाने के लिए कि देखो भैया तुम्हारी ये औकात है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो क्यों रहा है कि हिंदुओं को बस बांट दो कैसे भी करके, इनको ऊंच नीच का दिखा के बांट दो, ये एक ना हो जाए। जब मैं अपर कास्ट के लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो हर किसी से जाके एक न्यूट्रल सब किसी का एक व्यू लेता हूँ कि कैसे ये ऊंच नीच ख़त्म हो, तो वो कहते हैं कि वो लोग स्टार्ट करें पहले, स्टार्ट कोई भी नहीं करता। और एक मज़ेदार की बात आऊँ आपको, मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, मैं दंग रह गया कि ऐसा भी कुछ होता है। शायद आप लोगों को तो खैर नहीं पता होगा, आप लोग कोई नहीं बताता ये बात है। मेरी नज़र में ऐसा था कि जो एक नीची ऊपर कास्ट होती है, मध्यम होता है, फिर एक नीच होता है। मुझे लगा कि नीची कास्ट में ये आदिवासी वगैरह लोग आ जाते हैं, ये जाटव लोग आ जाते हैं, या जिसको हम लोग हिंदी में चमार शब्द कह देते हैं, वो आ जाते हैं। मेरे दिमाग में ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि एक भंगी भी कुछ होता है, वाल्मीकि समाज भी कुछ होता है। तो नफरत करते थे अपर कास्ट वाले लोग, तो मैं उनसे कहता था यार ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, हम लोग एक रहना चाहिए। तो उन शख्स का मैं नाम क्या ही लूँ वीडियो में, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा अगर कोई दोस्त चमार है तो आप उससे जाके बात करो। मैंने कहा हाँ मेरे तो हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। उनसे कहना कि क्या तुम भंगी की लड़की से या भंगी का क्या खाना खा लोगे तुम? तो मैंने सिंपल सा गया कहने को, तो उस चमार के ये सब थे, नहीं यार हम उनसे ऊंचे हैं, उनके ये शब्द थे, तो मतलब नीचे आगे सबसे ज़्यादा भंगी आगे नीचे। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ये लोग नीचे होते, फिर पता लगा उससे भी नीचे हैं। तब वही तो रैदास जी वाली बात है ना कि जात जात में जात है। तो हर तरफ गलतियाँ, हर किसी का माइंड ऐसा कर दिया गया है कि जात 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 घुसेड़ दिया गया आपके अंदर, ये नहीं होना चाहिए। और इसको केवल आप यार एक वीडियो मत समझना, ये मैं एकदम 100% प्योर होकर आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है। आप किसी का अनादर करो, किसी का सम्मान करो, ये आपका पर्सनल है, बस वो कारण आपका जाति नहीं होना चाहिए, बस मेरा सिंपल सा ये कहना है। मैंने बहुत से जो मेरे ऐसे दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, मैं अपने घर में इकलौता ऐसा बच्चा हूँ जो इस चीज़ को खुल के बोलता हूँ। अब पता है मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे भी तो हो सकता है उनके व्यू कुछ आए, लेकिन मैं इसकी परवाह इतनी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये चीज़ गलत लगती है तो मुझे ये करना चाहिए। हमारे देश में दो ही समस्याएं हैं, एक तो जनसंख्या और दूसरी कास्ट, ये ख़त्म हो जाए। 1971 में हमारा देश डेवलपिंग कंट्री था और अभी तक डेवलपिंग है, डेवलप्ड हुआ ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? जो हमारे लोगों की सोच यही है कि हम बड़े होके इनको औकात दिखाएंगे, हम बड़े होके इनको औकात दिखाएंगे, बस यही है। सब लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के अंदर ये सोच नहीं पनपनी चाहिए कि किसी बच्चे से आप दोस्ती इसलिए कर रहे हो कि वो हमारी जाति का, नहीं यार, आप कर्म के अकॉर्डिंग करिए। और टैलेंट जो होता है वो कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता। बहुत से अपर कास्ट के लोग कहते हैं कि यार उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, अम्बेडकर जी ने ये हमारे साथ गलत कर दिया। लोगों का ये कहना है तुमने कुछ पढ़ा तो है नहीं, तुम बिना पढ़े सुनी हुई बातों का ही केवल किसी के कान से सुन लिया आपने, उसको आपने आगे बढ़ा दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2016 में एक सर्वे हुआ, वो सर्वे ये था कि भारत का हर एक बच्चा अपनी लाइफ का 22% ख़त्म कर देता है अंग्रेजी सीखने में, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में अपने लाइफ का 22% ख़त्म कर दिया उसने। और इससे आगे जो सर्वे हुआ 2018 में कि 36 से 37% ख़त्म कर देता सोचने में कास्ट वाले सिस्टम में, कि हम इनसे ऊपर कैसे बने, हम हाँ कोई नहीं, कि हम उनसे ऊपर कैसे बने हम या उनसे नीचे कैसे बने। तो ये हम लोगों को फाइनली, ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देखें और इस मैसेज को समझें कि अम्बेडकर जयंती पर अम्बेडकर जी क्या थे, उनसे आपको सीखना है।
उनसे आपको सीखना है ना कि क्या हुआ, उनसे आपको सीखना है ना कि यार कि एक पता है आचल अम्बेडकर जयंती ठीक है, कभी आप लोग चेक करना, कभी जैसे मान लो महाराणा प्रताप जयंती हो आप स्टेटस देखना लोगों के, आपको पता लग जाएगा कौन इसमें ठाकुर है, आपके ग्रुप में कौन ठाकुर है। अम्बेडकर जयंती आज जाके देख लेना कितने स्टेटस लगाए, पता लग जाएगा कि कौन एससी का है। परशुराम जयंती है, कौन ब्राह्मण है, आपको सब पता लग जाएगा। भगवान को तो छोड़ दो यार, इतनी तो सोच को ऊंचा लेकर आओ, इतने तो सोच को नीचा मत रखो। जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, ये सब कर्म के अनुसार होता है। ठीक, आप मायावती के बारे में आप कभी पढ़े, लेकिन पढ़ते नहीं लोग, ये कहते रहे वो तो ऐसे का उससे पढ़ो, तो यार उसके बारे में 2007 में विश्व की 10वें नंबर की सबसे मजबूत महिला थी। 1946 में अंबेडकर जी सबसे विश्व के 6ठे नंबर के विद्वान थे। हमारे देश में कितने विद्वान हुए, कोई भी टॉप 10 में नहीं था उस समय, लेकिन अंबेडकर जी का नाम था। और देखो जाति का आपको था, सबसे पुराना महाकाव्य हिंदू धर्म में रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि ने। जाके चेक करना जाति क्या थी, कहाँ गए उस समय सारे विद्वान, भगवान राम और सीता जी दोनों लोग उनके पैरों में गिरे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार ना कि जाति के अनुसार। ये हम लोगों को समाज में सिखाया नहीं जाता है। और छोड़ दो, फिर भारत आज़ाद हुआ, संविधान के जनक कौन, अम्बेडकर। जाति से कौन थे, कोई छुपाने वाली बात नहीं, उस समय कहाँ गए सारे विद्वान लोग, अगर इतने ही पढ़े लिखे थे तो संविधान लिख देते। 65 कंट्रियों में घूमे थे जाके अम्बेडकर जी, जो जो बातें अच्छी लगी। और देखो वो उस समय जनक थे, वो चाहते तो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने हर किसी को लेकर लिखा। और संविधान का जो पहला पेज है वो राम दरबार है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि अंबेडकर जी हिंदू धर्म से चिढ़ते थे, अगर चिढ़ते होते तो राम दरबार नहीं होता। उनके पिताजी का नाम क्या था, रामजी सकपाल, और उन्होंने अपने पिताजी का नाम अपने साथ जोड़ा। बहुत से लोगों को तो बी आर अम्बेडकर का फुल फॉर्म नहीं पता, पता किसी को कुछ नहीं है। जो नफरत करते हैं वो नफरत किए जा रहे हैं, और जो प्रेम करते हैं वो प्रेम किए जा रहे हैं, कारण किसी को नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ आप पहले पढ़ो, आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होंगी, आप अपनी सोच को बदलो। और देखो इस समय राष्ट्रपति ले लो भारत के, किस जाति के हैं, आदिवासी जाति के। प्रधानमंत्री ओबीसी जाति का, कहने को मतलब जनरल नहीं ना, जितने राजा बने बैठे इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सब मेहनत करके पहुंचे हैं ना। और मोदी जी ने एक बार संदेश दिया था, देखो वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो हर समाज को एक लेख के चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो स्टेज पर आके नहीं बोल सकते कि तुम लोग एक हो जाओ, हिंदुओं से नहीं बोल सकते। तो अभी जब गंगा साफ हुई थी तो उन्होंने 5 लोगों के खुद अपने हाथों से पैर साफ किए थे, उसमें 3 लोग जाटव थे। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी से ऊंच नीच के कारण नफरत मत करो आप। आपका और वैचारिक मतभेद हो सकता है किसी से नफरत करने का। एक हमारे जानकारी वाले हैं, उनकी कास्ट क्या ही बताऊं मैं, अंबेडकर जी का फोटो नहीं था उनके स्कूल में, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम्हारे फोटो ना लगाने से अंबेडकर जी नीचे नहीं हो गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ तो लो यार उनके बारे में। ये बहुत बड़ा मतलब एक सोची समझी साजिश जो पहले चली आ रही है अंग्रेजों के टाइम पे, डिवाइड एंड रूल, वो इसको हमें हटाना है। कभी भी जो सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि तुम्हें पता क्या है उनके बारे में, तुम्हें उनकी डिग्रियों की नॉलेज नहीं, उन्होंने क्या किया पता कुछ भी नहीं है तुमको, लेकिन बस। और देखो एक और हमारे दोस्त हैं, आपको पता है अम्बेडकर जी ने 2 शादियाँ की थी, एक उनकी 15 साल पे रमाबाई से शादी हुई थी, और एक 1949 में मरने जब उनका निधन होने से 7-8 साल पहले उन्होंने एक सविता नाम की महिला शादी की, वो जाति से ब्राह्मण थी। तो एक हमारा दोस्त था वो कहता देखो उन्होंने जानबूझ के ब्राह्मण से शादी की दिखाने के लिए। ये मतलब इतनी बुरी सोच भर दी गई हम लोगों के अंदर कि हम लोग एक होने की सोचा भी तो भी ना हो पाए। तो ये चीज़ों को हम लोगों को ख़त्म करना है, मतलब किसी आदमी पर कुछ भी बिना पढ़े कह देना। आप पढ़ के तो आओ, हुबर सूद्राज बुक पढ़ो तो एक बार, अब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, एक बुक का एक पेज पढ़ो तो, कि ये नहीं है कि आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है, सुन सुन के आपने जो सुना और आपने उस पे विश्वास कर लिया। मैं आपको रामायण पढ़ के सुनाता हूँ, कोई और दूसरा बंदा आपको रामायण पढ़ के सुनाएगा, कोई तीसरा, हर किसी में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं अध्ययन करोगे तब तक आपको उसका पूरा समझ नहीं आएगी। तो जो लोग मतलब ये ऐसा है, और आप आज जाके, मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार सर्वे किया है, मैं वीडियो तो मैं आज बना रहा हूँ। ये चीज़ तो मुझे बचपन से ही ख़राब लगती थी कि क्यों है ये ऊँच नीच इतनी ज़्यादा। हमारे घर से भी हमको ये बताएगा कि नहीं कि ये ऊँच नीच है,
मैं शुरू से, मतलब ये गॉड गिफ्ट है मेरे अंदर, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। मुझे बुरा लगता है कि कैसे हम किसी को बोल देंगे कि वो नीचा है या वो ऊंचा है। मैं मान लो जाति से मान लो ठाकुर हूँ, जबकि मेरा काम क्या छतरी वाला, तो मेरा काम है कि मुझे जाना चाहिए सेना पर और जो भी आतंकवादी आते हैं उनसे मैं फाइट करूँ, ये मेरा धर्म होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जाति सब कुछ नहीं रहा, जातियाँ छोड़ो यार, ये सब लोगों ने बनाई हैं, ऊपर से नहीं आई हैं। बहुत से लोग हैं जो लोअर कास्ट के हैं, वो रामायण गीता नहीं पढ़ते हैं कि उनके दिमाग में ये है कि ये तो और ज़्यादा। एक राजीव गौतम नाम का आदमी तो शायद आप लोगों ने सुना हो, आप सरकार का जो आम आदमी पार्टी है, उसने जो भी उनके कास्ट के लोग थे सबको शपथ दिलाई है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर हम किसी को भी भगवान नहीं मानेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, ये नफरत फैलाई जा रही है। अगर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानोगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा, वो नफरत फैलाने वाले कि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, ये किया, क्या अब सही हो जाएगा ऐसे। तो इसका समाधान हम लोगों को निकालना, एक आज मैं कह रहा हूँ सर्च करना जाके यूट्यूब पे, एक वीडियो मिल जाए आपको ऐसा एक कि कैसे अपर लोअर मिडिल को एक करें, एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको। नफरत वाले आपको इतने मिल जाएंगे भाई साहब, हज़ार वीडियो मिल जाएंगे नफरत फैलाने वाले कि कैसे भी इनको तोड़ो। अब एक मान लो लोअर कास्ट का बंदा है, उसको हम लोगों के द्वारा सताया गया या कुछ भी किया गया, तो अब उसकी सोच क्या होगी कि यार मैं कैसे बड़ा आदमी बन जाऊँ, इन अपर वालों को मैं औकात दिखाऊंगा। मतलब क्या होगा कि अब वो पढ़ाई लिखाई कर तो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई वो इसलिए कर रहा है कि मैं इनको औकात दिखाऊंगा। अपर कास्ट वाले लोग कहते रहे इन्हें तो भैया रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये इसलिए बन रिजर्वेशन। अंबेडकर जी की बहुत से लोगों के दिमाग में ये अंबेडकर जी की देने नहीं, उन्होंने ये कहा था कि ये रिजर्वेशन परमानेंट नहीं है, ये केवल 10 साल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं कि जिससे जो लोग नीचे हैं वो हर किसी के सामान्य आ जाएं, बराबर आ जाएं। आपको पता है अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी रिजर्वेशन है। कुछ पढ़ के तो आओ, मतलब पढ़ो तो पहले, कि ऐसी आँख बंद करी और बोल दिया। अंबेडकर जी की सोच में बिल्कुल भी मलिनता नहीं थी, बिल्कुल भी अपनी कास्ट को लेकर कि हम अपनी कास्ट को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, ये बहुत कुछ भी कर सकते थे उस समय, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने जो बुराइयां झेली हैं वो हमारी जाति के लोग नहीं झेलें, ये उनका मकसद था बस। उसके लिए उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन नफरत वाला एक भी बयान नहीं आएगा उनका। और बाद में इन द एंड मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस पर डिबेट करते हैं कि जब इतना ही धर्म अच्छा था तो अंबेडकर जी ने धर्म बदला क्यों, ये बहुत से लोग कहते हैं। तो मैं दो तीन बातें और बता दूं इसके बारे में। 1951 में वो भारत के कानून मंत्री रहे थे, फिर 1951 का ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि उस समय प्रधानमंत्री अंबेडकर जी को हराने के लिए चुनाव प्रचार करने गए, वो सबसे ज़्यादा आहत हुए थे इस बात से कि मैं देश का कानून मंत्री रहा और यहाँ पे लोग आके, मेरे ही लोग आके मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जब हिंदू धर्म छोड़ा तो वो चाहते तो मुस्लिम धर्म भी अपना सकते थे, ईसाई धर्म भी अपना सकते थे, उन्होंने बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है, जैसे जैन है आर्य वैसे ही इसका पार्ट है। उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर ऊंच नीच वाली है ना, मैंने तो झेल लिया क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैं इतना संपन्न था, मैंने तो झेल लिया, पर और लोग इसका शिकार ना हो इसलिए मैं यहाँ से इस धर्म में शिफ्ट कर जा रहा हूँ। गलती थी, हम सभी की गलती थी। और उन्होंने देखो रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने एक क्या चीज़ सोची कि अगर आज के टाइम अगर कोई हिंदू में ऐसी कास्ट का आदमी है और अगर वो मुस्लिम धर्म अपनाता है या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसका रिजर्वेशन हट जाएगा, और अगर वो बौद्ध या जैन अपनाता तो उसका कोटा रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि कम समय में मैंने कोशिश करी बस आपको ये बताने की। ओवरऑल अगर इस वीडियो का मैं सार बताऊं तो फाइनली सार ये है कि आप किसी को भी स्नेह करें, किसी से प्रेम करें, किसी से नफरत करें। आप ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि आप दुनिया के हर शख्स से आप स्नेह कर सकते हैं, दुनिया के हर किसी शख्स से आप नफरत कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, किसी से भी करें, बस वो कारण आपका जाति नहीं होना चाहिए। बस आप किसी भी आदमी को पसंद करते हैं बिल्कुल करें, आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। किसी से नफरत करें बिल्कुल करें, आपका पर्सनल है, लेकिन वो कारण वो जात नहीं होना चाहिए। कितने कितने ऐसे थे, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जैसी राम। अरे भैया मिलो मुलायम कांसीराम, खूब मिलो, लेकिन जैसी राम को बीच में लाने की क्या है, किसी की औकात नहीं है। मैं औकात शब्द लगा रहा हूँ, किसी औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म के भगवान के बारे में ऐसा बोल कर दिखा दो। क्यों, उनको पता है हिंदू तो बटा पड़ा है, कुछ भी बोल लो हिंदू बटा पड़ा है एकदम। मतलब ये क्या है, मैं कह रहा हूँ मायावती, अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाऊँ, मायावती बीजेपी मिले,
मायावती के साथ और भी लोग मिले हैं, मुलायम सिंह भी मिले, सब मिलो, मैं कह रहा हूँ सब मिल जाओ, किसी एक को हराना है हराओ, लेकिन भगवान को इसमें लाने के। और क्या सब कि मिले मुलायम का सिर हवा में उड़ गया जैसे तिलक, तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, क्या हम लोग एक हो जाएंगे ऐसे ऐसे नारे से, क्या हम लोग एक हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ऐसे सब मिट जाएंगे आपस में ही एक दूसरे को मार मार कर। जो फाइनली कंक्लूजन वही है, आप लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है, जो अभी है प्रेजेंट में जिनकी सोच गलत है उनको हम बदल नहीं सकते। और मेरे इस भाषण से एक बच्चा भी अगर समझ गया तो भी ठीक है, और इसका तो मैं ट्यूशन में तो बताता रहता, वीडियो आज बना रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको रेगुलर और पढ़ूँ, नई नई बातें पढ़ूँ, और फिर उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ, ठीक है? तो किसी से भी नफरत नहीं करनी है, और करनी है तो वो कारण जाति नहीं होना चाहिए, बस ऊंच नीच आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जहाँ जिसका जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर उसके लिए होना चाहिए। आप खूब खाओ किसी का खाना पीना, जातियाँ नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। सफाई है तो आप खाओ, नहीं है तो नहीं, वो जाति का नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? मायावती के बारे में अगर मैं बात करूँ, वो हम लोगों के, हम जैसे लोगों के आके खाना खाना नहीं खाएंगे, वो राजा लोग हैं यार, उनका सिंहासन है वहाँ पे, लोग उनके पैरों में गिरते, वो बहुत पहुँची हुई महिला है। या और किसी की मैं बात करूँ, वो बहुत ऊँचे लोग हैं, वो अपने यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है, खाना तो बहुत दूर की बात, आएंगे तक नहीं वो यहाँ पे। तो सब कर्म के अनुसार होता है, कोशिश करो कि हम आगे बढ़ें, हम जो समाज में कुरीतियाँ उसको बदलेंगे, हम मिलके रहेंगे, ठीक है? ऊँच नीच हमारे अंदर बिल्कुल नहीं। अगर पेरेंट्स भी करते हैं तो पेरेंट्स से नाराज मत हो, उनको प्यार से आप समझाओ, कहना मम्मी आप रामायण पढ़ती हो तो आपने रामायण से सीखा क्या? रामायण में तो भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, और आप हमसे बताओ मना करते हो? या अगर नीची कास्ट वाले लोग कहें पेरेंट्स बच्चों से कि आप रामायण मत पढ़ो, आप गीता मत पढ़ो, तो आप उनको सलाह दो कि रैदास जी ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मैं भगवान राम के प्रति एकदम उनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। तो ये चीज़ें आप तब बताओगे ना जब आप पढ़ोगे कुछ, टीचर कोई आपको बताएगा नहीं, आप लोग मोबाइल में बिजी रहते हो, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया बहुत हो गया। अब मैं पढ़ता हूँ तो मैंने बताया, और मैं आगे भी इस चीज़ को बताता रहूँगा। मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, मैंने आउटपुट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि इससे क्या होगा। ये छोटा सा वीडियो है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लोगों ने बहुत बहुत बड़े काम किए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बनाना चाहिए था। तो क्या आप लोग मेरी बात का असर होगा? होगा सर, मैं चाहता हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए ना हो कि आज बोला है तो ठीक है, एक दो दिन फिर भूल गए। रिवीजन करते रहना इस चीज़ का, ठीक है? और ये चीज़ बहुत बड़ी गलत है, इससे हमारा समाज, हमारा देश पीछे जा रहा है, और ये आपको लग नहीं रहा होगा, ये हमारा देश भी इससे पीछे जा रहा है, ठीक है? चलो ख़त्म करो इसे।